हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप कि काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। माई सेल्फ मुरली के बैरागी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल्स। गाइस, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में, दैट इज कॉल्ड फोटोहैलोजिनेशन। जी हाँ, फोटोहैलोजिनेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने आज तक क्या क्या पढ़ लिया, एक बार मैं आपको फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ, रिकॉल करवा देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या किया है। अभी तक हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन के प्रिपरेशन मेथड्स पढ़े हैं, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, उलमान रिएक्शन, सोडा लाइम रिएक्शन और कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। ये सारे रिएक्शन हमने मैकेनिस्टिक अप्रोच के साथ कम्प्लीटली वहाँ पे उसके मैकेनिज्म हम लोगों ने देख ली थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने अच्छी खासी कर ली है और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फोटोहैलोजिनेशन। तो गाइस, बेसिकली फोटोहैलोजिनेशन क्या होता है, इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे दो वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, फोटो और हैलोजिनेशन। जी हाँ, तो फोटो का मतलब हो गया फोटो लाइट की प्रेजेंस में, और हैलोजिनेशन का मतलब हो गया हैलोजन का मॉलिक्यूल। दैट मींस कि हैलोजन का मॉलिक्यूल क्या होगा, X2 होगा, फॉर एग्जांपल F2, Cl2, Br2, I2। और लाइट की प्रेजेंस में मतलब कि रिएक्शन जो है वो फोटोन की प्रेजेंस में हो रही है। तो ये हमारा एक हल्का फुल्का आइडिया हो गया कि रिएक्शन जो है वो ओवरऑल क्या रिएजेंट रखेगी, राइट। अब हम बात कर लेते हैं वहां पे कि उस रिएक्शन में जो हम लोगों ने अभी रिएक्शन करनी है, उस रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट क्या होगा और हमारा रिएजेंट क्या होगा, राइट। तो रिएजेंट हम लोगों ने देख लिया था अभी, रिएजेंट हमारा जो है वो कौन सा है बताओ, वो है हमारा X2H𝛎। अब इससे पहले हम लोगों ने जो भी रिएक्शन पढ़ी है, फॉर एग्जाम्पल हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ी है, वो RX की रिएक्शन थी, राइट। और कार्बोक्सिलिक एसिड की हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी थी, वो कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस था, सोडा लाइम रिएक्शन था। बट गाइज, यहाँ पे हमारा जो रिएक्टेंट है वो एल्केन होता है, स्पेसिफिकली एल्केन। अगर आपका रिएक्टेंट एल्केन है और उसके अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो फोटो हैलोजिनेशन, दैट मींस कि X2 विद H𝛎, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे फोटो हैलोजिनेशन रिएक्शन, राइट। अब यहां पे आपको कई बार X2H𝛎मिल सकता है, हो सकता है कई बार आपको X2H𝛎 की बजाय आपको X2 वहां पे UV लिखा मिल जाए। UV मींस हो गया अल्ट्रावायलेट, तो आप H𝛎 बोल रहे हो तब भी फोटोन मतलब फोटोन की एनर्जी, आप UV बोल रहे हो तब भी वहां पे अल्ट्रावायलेट रेज मतलब वही प्रकाश, और कई बार आपको वहां पे X2 डेल्टा भी मिल सकता है। तो अगर आपको X2 डेल्टा मिल जाए, आपको X2 UV मिल जाए, आपको X2 H𝛎 मिल जाए, सबका मतलब सेम है, सबके साथ फोटो हैलोजिनेशन रिएक्शन करेंगे, गॉट इट। किसके साथ करेंगे, एल्केन के साथ, क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड। जनरली हमारे सिलेबस में जो रिएक्शन है वो मोनो हैलोजिनेशन है, दैट मीन्स कि हम क्या करते हैं, हमारा जो एल्केन होता है उस एल्केन में CH4 हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस एल्केन में से हम वहां पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और एक हैलोजन एटम वहां पे इंसर्ट कर देते हैं। That means कि हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हैलोजन है, तो इस वजह से उसको हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि एग्जाम्पल के साथ आप धीरे धीरे समझोगे कि ये कैसे हो रहा है, इसके मैकेनिज्म क्या है, सब कुछ बातें अपन यहाँ पे डिटेल से करने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, करें स्टार्ट, शाबाश। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं एक हल्का सा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना चाहूंगा, है ना, इस रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हम पूरा डिटेल मैकेनिज्म में जा रहे हैं, तो डिटेल मैकेनिज्म में जाने के लिए आपको वहां पे अच्छे से विजुअलाइजेशन आपको होना चाहिए कॉन्सेप्ट का। तो आप ऐसे समझो कि मान लो हमारे पास ये एक कंटेनर है और इसमें पानी भर रहा है, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें हॉस्टल में, हम जैसे मान लीजिए हम हॉस्टल में रह रहे हैं, वहां पे जैसे अभी लॉकडाउन है, वहां पे धोबी वगैरह नहीं आ रहा, हमें कपड़े धोने हैं, है ना। तो आप कपड़े धोने के लिए क्या करेंगे, वहां पे आपके पास एक व्हाइट शर्ट है, तो व्हाइट शर्ट को आप धोने के लिए उसमें मिलाएंगे उजाला, ताकि थोड़ा अच्छी सी सफेदी आ जाए। तो उसमें मान लीजिए कि आपने पहली बूंद उजाला की कुछ इस तरीके से मिलाई, तो जैसे ही आपने उजाला की पहली बूंद मिलाई, अब आप उसको माइक्रो लेवल पे अज्यूम करो और माइक्रो लेवल पे उसको इमेजिन करो कि वहां पे वो जो उजाला की पहली बूंद है, जो नीली बूंद थी, ड्रॉप था, ब्लू ड्रॉप, वो जैसे ही उस वाटर के साथ मिला तो वहां पे उसने कैसे वाटर के साथ रिएक्शन की, उसको आप एक बार अज्यूम करो, उसको एक बार अच्छे से इमेजिन करो, अज्यूम नहीं करना, इमेजिन करना आप लोगों को, ठीक है। आप उसको अच्छे से विजुलाइज करो अपने दिमाग में कि क्या होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम वाटर की पहली, जैसे उजाला की पहली ड्रॉप या नील की पहली ड्रॉप हम वाटर में मिलाते हैं, या मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं था, इंक की एक ड्रॉप मिला दो पानी में, ठीक है। तो जैसे वो उसमें जाती है, जाने के बाद देखते हैं तो इतना पानी जो होता है वो क्या होता है, नीला होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद देखते हो तो आप नीलापन फैलता है, थोड़ा और पानी जो नीला होने स्टार्ट होता है, फिर थोड़ी देर बाद में और नीला होने स्टार्ट होता है, ऐसे करते 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 वहां पे पूरा का पूरा जो पानी है वो नीला हो जाता है। दैट मीन्स कि आप स्टार्टिंग में समझो इस बात को कि जो नील का जो पहला बूंद था
वो जैसे ही पानी के साथ गया, उसने पानी के साथ रिएक्शन की, और रिएक्शन करके उसके पानी के जो आसपास वाले मॉलिक्यूल्स थे उस बूंद के आसपास, उसको उन्होंने नीला करना स्टार्ट किया, और फिर धीरे धीरे वो नीलापन फैला आगे, और फाइनली वो नीलापन तब तक फैला जब तक उसके एंड सरफेस ना आ जाए कंटेनर की, यानी उसके दीवारें ना आ जाए, उसका पैंदा और उसकी दीवारें ना आ जाए। और जैसे ही वो दीवार और पैंदे तक नीलापन पहुंच गया तो फिर रिएक्शन स्टॉप हो गई। दैट मीन्स कि गाइस हम बोल सकते हैं, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नीलापन जब फैल रहा था तो वो हल्का हल्का हो रहा था, पहले स्ट्रॉन्ग नीला था, मतलब एकदम एकदम से आप समझ सकते हो कि डार्क ब्लू था, उसके बाद धीरे धीरे लाइट शेड में आता गया, क्योंकि वो कितनी कंसंट्रेशन आपने मिले उसके हिसाब से वो हल्कापन उसमें आ जाएगा धीरे धीरे, राइट। अब हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एग्जाम्पल को लेकर मैं यह समझाना चाह रहा था कि आप ऐसे समझो कि हमारे पास मान लो कोई भी रिएक्शन है, तो उस रिएक्शन को अपन करते हैं तो वो कितने स्टेप में रिएक्शन होती है। यहां आप देखो, आपने जैसे उजाला की पहली बूंद मिलाई तो पहले क्या हुआ, रिएक्शन ये हुई होगी रिएक्शन पहले, राइट। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा वहां पे, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल से पहले, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे आप ऐसे समझो कि मतलब अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, फिर उसके बाद में ये आपके एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताऊंगा, राइट। आपने जैसे ही उजाला की पहली बूंद पानी से मिलाई तो रिएक्शन इनिशिएट हुई, पानी को धीरे धीरे नीला करना स्टार्ट किया, तो उसको हम बोलेंगे कि रिएक्शन इनिशिएट हो रही है, स्टार्ट हो रही है, प्रारंभ हो रही है अभिक्रिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे नीलापन फैल रहा है, यानी कि रिएक्शन आगे से आगे संचरित हो रही है, आगे से आगे प्रोपोगेट हो रही है, तो रिएक्शन प्रोपोगेशन हो जाएगा, और फाइनली उसके बाद वहां पे फाइनली जो जो कंटेनर था उसके दीवारों तक वो नीलापन आके रुक गया, यानी कि रिएक्शन टर्मिनेट हो चुकी है, रिएक्शन समापन समारोह रिएक्शन का हो चुका है, रिएक्शन समाप्त हो चुकी है। दैट मीन्स कि किसी भी रिएक्शन को हम तीन स्टेप में समझा सकते हैं कि पहले रिएक्शन इनिशिएट होगी, उसके बाद रिएक्शन प्रोपोगेट होगी, और उसके बाद रिएक्शन टर्मिनेट होगी। ये तीनों स्टेप आपको हमेशा ध्यान रखने हैं किसी भी रिएक्शन को करने के दौरान, राइट। चलो अब बच्चों हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं यहाँ पे कि मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, CH4 हम ले लेते हैं, और CH4 की हम रिएक्शन करवा देते हैं Cl2H2 के साथ, और वहां से आपको पता है कि एल्काइल हैलाइड बनेगा, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में केमिकल रिएक्शन में देखा था, तो वहां पे CH3Cl बन जाएगा, और साथ में वहां से एक H और एक Cl निकलेगा, वो बाई प्रोडक्ट के रूप में आप देखोगे कि यहाँ पे साथ में क्या बन गया, H Cl बन गया। बट हमारा मेन प्रोडक्ट, हमारा जो मेन फोकस होता है वो हमारे मेन प्रोडक्ट पे होता है, कार्बन बेस्ड कंपाउंड पे, इसलिए मैंने यहाँ पे CH3Cl आप लोगों को बताया था, और वहां स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि एल्केन की रिएक्शन अगर आप एल्काइल हैलाइड से करवा एल्केन की रिएक्शन अगर आप H2H2 से करवाते हो तो सिर्फ एल्काइल हैलाइड बनता है, बाई प्रोडक्ट के बारे में हमने बात नहीं की थी, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब एनालिसिस क्या करना है अपने को सोचना है कि जुगाड़ लगाना, मतलब एनालिसिस का मतलब कि सोचो एक बार अपने हिसाब से कि भाई क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, उसके बाद तो मैकेनिज्म देखेंगे तब तो पूरा समझ में आ जाएगा, राइट। चलो तो आप यहाँ पे क्या क्या दिमाग लगा सकते हो, आपके पास HNU है ना, और Cl2 का मॉलिक्यूल है, HNU का मतलब क्या है, फोटोन, तो Cl2 के मॉलिक्यूल पे जब फोटोन आके गिरेगा तो आप देखोगे कि उस कंडीशन में जैसे उसके ऊपर फोटोन आके गिरा तो वो जो Cl2 वाला जो बॉन्ड है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड है, इक्वल शेयरिंग से बना है, और जैसे आप उस पर लाइट गिराओगे तो एक एनर्जी की फॉर्म वहां पे इंसिडेंट होगा, उसकी वजह से वो बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा। हम लोगों ने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, होमोलिटिकल क्लीवेज और हेटेरोलिटिकल क्लीवेज। अगर आपने टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं पढ़ा है तो मैं इसके बाद एक वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो में आप अच्छे से देख लेना कि बॉन्ड ब्रेकिंग किस तरह से होती है। अभी आप इस चीज को ऐसे समझिए कि Cl2 के बीच में जो बॉन्ड था वो दोनों इक्वल शेयरिंग से बना था, तो जैसे उसको एनर्जी मिलेगी वाइब्रेट होगा, और वाइब्रेट होकर वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो जैसे उन्होंने बॉन्ड बनाया था वैसे उन दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके वापस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। तो इस तरीके से Cl के ऊपर एक डॉट और Cl के ऊपर एक डॉट, दैट मीन्स कि दोनों Cl पे एक एक इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, बिकॉज हम लोगों ने उस पर एनर्जी इंसिडेंट की थी, फोटोन उस पर इंसिडेंट हुआ था, राइट। अब देखो पहले Cl2 था न्यूट्रल, तो वो स्टेबल मॉलिक्यूल था, जैसे उसके ऊपर एनर्जी उस पर आई तो उसने वाइब्रेट करके अपने आपको ब्रेक करके एक बना लिया फ्री रेडिकल, और हम जानते हैं कि फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है और रिएक्टिव भी है, तो अब ये जो Cl डॉट होगा इसको अब क्या होगी, चुल होगी रिएक्शन करने की, तो ये किस पर अटैक मारेगा, CH4 पर अटैक मारेगा। तो ये जब CH4 पर अटैक मारेगा उस कंडीशन पे क्या होगा कि CH4 में से एक CH बॉन्ड ब्रेक होगा, और CH बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में Cl जाके वहां पे लग जाएगा और H वहां से हट जाएगा, ऐसे कुछ होना चाहिए, जुगाड़ है ये, सोच रहे हैं, हमने भी मैकेनिज्म के बारे में बात नहीं की है, हमने बोला कि ऐसा सब कुछ वहां पे होना चाहिए, तो इस तरीके से वहां पे हम कुछ सोच सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा बन जाएगा, गॉट इट। अब बच्चों बात करते हैं कि हमने थोड़ा बहुत जुगाड़ सीख लिया, अब हम इससे मैकेनिस्टिक अप्रोच को बिल्कुल स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म को, ताकि आप लोगों को मैकेनिज्म की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, और जो जुगाड़ आप लोगों ने अभी लगाया था खुद से वो जुगाड़ आपके अब अच्छे से वहां पे एप्लीकेबल हो जाए।
तो उसके लिए मैं आप लोगों को रिएक्शंस के स्टेप बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको वो पानी के अंदर उजाला की बूंद मिला के बताया था कि पहला स्टेप क्या था, रिएक्शन इनिशिएटिंग स्टेप। तो चेन इनिशिएट हो रही थी, चेन का मतलब है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसकी रिएक्शन स्टार्ट हुई, तो चेन इनिशिएशन स्टेप। उसके बाद दूसरा क्या था, लगातार नीलापन आगे फैल रहा था, तो चेन प्रोपोगेशन। और उसके बाद तीसरा स्टेप क्या था, चेन टर्मिनेशन। तो कुल मिलाकर तीन स्टेप में रिएक्शन होगी, पहला चेन इनिशिएशन, दूसरा चेन प्रोपोगेशन और तीसरा चेन टर्मिनेशन। ये आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म की तीन स्टेप रहेगी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, उस मैकेनिज्म में ईच एंड इंडिविजुअल स्टेप को अच्छे से बारीकी से हम उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे कि क्या उसमें होना चाहिए। तो पहला स्टेप यहाँ पे होगा आपका चेन इनिशिएशन स्टेप। तो सबसे पहले जो एच न्यू था, सी एच फोर सी एल टू एच न्यू, उससे बना सी एच थ्री सी एल। तो सी एल टू एच न्यू आपका रिएजेंट है गाइस, और रिएजेंट के बारे में आप लोगों को बता रखा है कि रिएजेंट जो होता है वो हाईली रिएक्टिंग स्पीशी होती है, रिएक्टिंग एजेंट होता है। तो सबसे पहले एच न्यू की प्रेजेंस में सी एल टू अपने आप को क्या करेगा, रिएक्शन करने के लिए प्रिपेयर करेगा। वो कैसे प्रिपेयर कर सकता है बताओ, वो प्रिपेयर कर सकता है कि सी एल टू का मॉलिक्यूल है उसके ऊपर आपने फोटोन डाला, फोटोन डालते ही वो सी एल डॉट और सी एल डॉट बना ले। तो इस तरीके से एक सी एल टू के मॉलिक्यूल से आपको दो सी एल डॉट बन जाएंगे। उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, दोनों सी एल डॉट को फर्स्ट और सेकंड मार्क कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट कलर से, ताकि आप लोगों को जब मैं रिएक्शन को यूज करूँ तो आपको समझ में आए कि कौन सा वाला सी एल डॉट फर्स्ट और सेकंड कब कब कहाँ पे काम आया था। गॉट इट, बात समझ में आ गई। चलो ये आपका चेन इनिशिएट हो गया। तो स्टार्टिंग में सी एल टू का मॉलिक्यूल जैसे उजाला की पहली बूंद आई, आते ही उसने रिएक्शन स्टार्ट की, यानी कि वो अपना बॉन्ड ब्रेक करके फ्री रेडिकल बनाया, यानी कि अब चेन इनिशिएट होने वाली है, अब फ्री रेडिकल बन चुका है, एक रिएक्टिव स्पीशी बन चुकी है, राइट। चलो आगे बढ़ते हुए, नेक्स्ट स्टेप चेन क्या होगा, आप नेक्स्ट स्टेप बताओ, नेक्स्ट स्टेप आपका होगा चेन प्रोपोगेशन। कि अब जो वो उजाला की पहली बूंद पानी से रिएक्शन करने के लिए रेडी हुई, अब वो पानी से रिएक्शन करेगी और पानी से रिएक्शन करके लगातार उस पानी को आगे से आगे नीला करती रहेगी, ठीक है। तो आप देखो कि जो सीएल डॉट हमने दो बनाए थे, उन दोनों सीएल डॉट में से जो पहला सीएल डॉट है वो क्या करेगा, अब सीएच फोर पे अटैक मारेगा। सीएच फोर के पास ऑलरेडी चार वैलेंसी कार्बन के पास, तो जब वो इस पर अटैक मारेगा तो उस कंडीशन में सीएच फोर अपनी एक वैलेंसी को ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके वहां पे दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, दो पॉसिबिलिटी वहां पे बन सकती है। देखो तो स्टार्टिंग में सीएच फोर था, सीएच फोर पे फोटोन आके गिरा, बिकॉज अगर वो सीएल डॉट है तो सीएच फोर में सी और एच के बॉन्ड को भी डॉट के तरीके से ब्रेक होना पड़ेगा। हालांकि हम जानते हैं कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन एग्रीगेटेड डिफरेंस है 2.5 2.1, बट फिर भी बिकॉज ऑफ द सीएल डॉट इंडक्शन फिनोमेना की वजह से सी और एच का बॉन्ड भी फ्री रेडिकल तरीके से ब्रेक होगा। वो मैंने बताया था ना आप लोगों को, गिरगिट के देख के गिरगिट गिरगिट को देखकर गिरगिट रंग बदलता है, सामने वाले रिएजेंट को देखकर रिएक्टेंट बिहेव करता है। तो यहां में सामने सीएल डॉट है तो सीएच फोर को भी अपना सी एच थ्री डॉट और एच डॉट के तरीके से बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, होमोलिटिकल क्लीवेज होगा और फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा। अब आपके पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि जो आपका सी एच फोर ब्रेक हुआ उससे बन सकता है सी एच थ्री डॉट और एच डॉट। आप क्या कर सकते हो, एच डॉट को सी एल डॉट से मिला के सी एच थ्री डॉट और एच सी एल बना सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, सी एच थ्री डॉट और सी एल डॉट को मिलाकर सी एच थ्री सी एल बना के एच डॉट को कर सकते हो। भाई सिंपल सी बात है, सी एच थ्री और एच डॉट बन गया, सी एच थ्री डॉट और एच डॉट सी एच फोर के ब्रेक होने की वजह से। तो सी एच थ्री डॉट और एच डॉट जो है, अब या तो ये एच डॉट को सी एल डॉट से रिएक्शन करके एच सी एल बना ले, या फिर ये सी एच थ्री को सी एल के साथ रिएक्शन करके सी एच थ्री सी एल बना ले। अब इन दोनों में से एक स्टेप हो सकती है और एक नहीं होगी, सोचो कौन सी नहीं होगी। अगर गाइस सी एच थ्री डॉट और एच सी एल बनता है तो एच सी एल एक छोटा मॉलिक्यूल है, वो इजिली स्किप कर जाता है, है ना, गैसेस फॉर्म में वो स्किप कर सकता है। या अगर आपने बनाया सी एच थ्री सी एल और एच डॉट, तो सी एच थ्री सी एल और एच डॉट में सी एच थ्री सी एल एच सी एल के रेस्पेक्ट में तो स्किप नहीं करेगा, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तो वो जो है वो सॉल्यूशन में अवेलेबल रहेगा लिक्विड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। बट एच सी एल जो है वो मॉलिक्यूलर वेट कम होने की वजह से और वो उसकी प्रॉपर्टी होने की वजह से वो गैसेस फॉर्म में वहां से स्किप कर सकता है। दैट मीन्स कि यहां से रिएक्शन इधर जाए तो यहां से ये जो बन रहा है वो एक गैसेस फॉर्म में बन रहा है और ये जो बन रहा है वो एक्वस फॉर्म में बन रहा है, तो गैसेस और एक्वस में से पहले को निकलेगा वहां से बाहर गैसेस। इसका मतलब अगर अगर गैसेस वहां से निकलेगा तो गैसेस निकलेगा मतलब कि ये वाला स्टेप है वो तो करेक्ट हो गया और ये वाला स्टेप है जो वो क्या हो गया, गलत हो गया नीचे वाला। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो ऊपर वाला स्टेप है वो करेक्ट स्टेप है और नीचे वाला स्टेप जो है वो गलत है। तो हम रिएक्शन में कैसे आगे बढ़ेंगे, सी एच फोर प्लस सी एल डॉट कन्वर्टेड इंटू सी एच थ्री डॉट प्लस एच सी एल। समझ में आ गया सबको, ठीक है यहां तक, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, अब देखो आगे क्या होगा। अब आपका सी एच थ्री डॉट है और एच सी एल तो वहां पे बाहर हो गया बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब सी एच थ्री डॉट क्या करेगा,
आप क्या कर सकते हो कि आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि हमने यहाँ पे ध्यान से देखो, पहला ये सीएल फर्स्ट हमने यहाँ पे काम में ले लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो सीएल डॉट बने थे वहां पे, तो हमने जो क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, हमारे दिमाग क्या काम करेगा कि भाई सीएसटी डॉट जो है, जो बना है सीएल और सीएसटी डॉट, वो सीएसटी डॉट क्या करे, दूसरा वाला जो सीएल डॉट बचा था, देखो मैंने रेड से दिखा रखा है, दूसरा वाला जो सीएल डॉट बचा उसके साथ रिएक्शन करके सीएसटी सीएल बना दे, ठीक है। बात सुन आ गई गाइस, क्या ये स्टेप ठीक है? क्या आप खुद अपने आप से अगर पूछो कि क्या ये स्टेप ठीक है या नहीं, ध्यान से सोचो एक बार। अब मैं आपको जो इमेजिन करवाने जा रहा हूं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या हमने जब उस रिएक्शन में, हमने वो कंटेनर लिया था और उस कंटेनर में मैंने पानी वानी डाल के वहां पे वो नील की पहली बूंद डाली, उसको नीला किया। सपोज करो कि नील की पहली बूंद उस पानी के अंदर आई और वो नील की बूंद ब्रेक हुई और ब्रेक होकर वो वाटर से रिएक्शन करना स्टार्ट हुई। अब जब नील की बूंद ब्रेक हुई थी तो उस कंडीशन में जब उसने वाटर से रिएक्शन की, तो मान लो कि नील से दो फ्री रेडिकल बने और दोनों फ्री रेडिकल वाटर के साथ वहां पे रिएक्शन कर ले, तो ऐसे तो रिएक्शन खत्म ही हो गई वहीं पे। भाई एक नील की बूंद डाली, उसने दो में अपना फ्री रेडिकल बनाया और उसने दो फ्री रेडिकल ने दो H2O से रिएक्शन कर ली और उतना पानी नीला हो गया। अब क्या करोगे उसके आगे, आगे तुम बता ही नहीं सकते। एक मॉलिक्यूल के हिसाब से बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं अपन। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि वो फिर पानी नीला कैसे हुआ ओवर, है ना, रिएक्शन प्रोपोगेट कैसे हुई? जब आपने एक मिलाया तो एक एक से रिएक्शन कर दिया तो रिएक्शन खत्म हो जानी चाहिए थी, बट हम तो देखते हैं कि पानी पूरा नीला होता है, एक छोटी सी बूंद भी पानी को हल्का हल्का नीला कर देती है, यानी कि रिएक्शन प्रोपोगेट भी होती है। ठीक वही सेम चीज मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ कि मैंने CH4 लिया और उसका Cl2 से दो Cl डॉट बनाए, और दो Cl डॉट में से एक Cl डॉट से तो मैंने CH3 डॉट और HCl बना दिया, और दूसरे सीएल डॉट से मैं सीएसटी डॉट को सीएल डॉट से मिला रहा हूं, तो सीएसटी सीएल बन जाएगा। इसका मतलब है कि एक CH4 पे दो सीएल डॉट तो खत्म ही हो गए, अब आपके पास कोई सीएल डॉट बचा ही नहीं है, तो पानी आगे नीला कैसे हुआ फिर? इसका मतलब है गाइस कि हम ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हमें ये स्टेप नहीं करना चाहिए। बात सुन आ रही, हमें ये स्टेप नहीं करना चाहिए, हमें कुछ और करना चाहिए जहां पे सीएसटी सीएल तो बने बट साथ में कुछ ऐसी चीज बने जो कमाल करती रिएक्शन के अंदर, जो रिएक्शन को आगे प्रोपोगेट करती रहे, रिएक्शन को आगे फैलाती रहे। और उसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, हियर वी गो, हम वहां पे यूज करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू Cl2 मॉलिक्यूल। जी हाँ, एक ब्रांड न्यू Cl2 मॉलिक्यूल अगर वहां पे हम यूज करेंगे तो उससे क्या बनेगा, सीएसटी डॉट अब Cl2 से अटैक मारेगा एक नए Cl2 पे। तो देखो, एक CH4 से एक सीएसटी डॉट बना एक सीएल डॉट को कंज्यूम करके, अभी दूसरा सीएल डॉट हमने काम में नहीं लिया, और जो सीएसटी डॉट बना उसका हम एक दूसरे Cl2 मॉलिक्यूल पर अटैक मार रहे हैं, तो उससे Cl2 पे जब अटैक मारेंगे तो CH3Cl तो बन जाएगा। ये देखो तुम्हारे सामने CH3Cl पड़ा है, दिख रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे वहां पर मिलेगा भाई साहब एक नया ब्रांड न्यू Cl2। तो इसका मतलब है कि एक CH4 एक Cl2 से रिएक्शन करा तो एक Cl2 तो उसने बचा लिया वैसे ही, वो रेड वाला सेकंड, और खुद एक नए Cl2 पटेक मार के CH3Cl तो बना दिया, यानी पानी नीला तो हो गया प्लस एक नया फ्री रेडिकल और दे दिया, अब वो नया फ्री रेडिकल रिएक्शन को आगे से आगे और प्रोपोगेट करेगा। तो इसका मतलब है कि एक CH4 से दो नए Cl2 बन रहे हैं, एक वो सेकंड नंबर वाला सीएल डॉट और एक नया सीएल डॉट पर अटैक मारने के बाद एक और नया सीएल डॉट, वो सीएल डॉट फर्दर किसी CH4 पर अटैक मारेगा, वहां से फर्दर कोई सीएसटी डॉट बनेगा प्लस HCl बनेगा, वहां से फर्दर कोई सीएसटी डॉट एक नए सीएल डॉट पर अटैक मारेगा और वहां से सीएसटी सीएल बनेगा। तो इस तरीके से लगातार जो रिएक्शन वो एक्सपोनेंशियली प्रोपोगेट होगी, आगे से आगे रिएक्शन फैलेगी और लगातार हम देखेंगे देखते देखते पूरा पानी जो है वो नीला हो गया। बात समझ आ रही है, ठीक है यहां तक? अब देखो, अब इस पूरी रिएक्शन को जो मैंने आपको समझाया, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा समराइज कर देता हूँ, है ना। तो आप एक बार वो देख लो कि जो सीएल डॉट था जो मैंने बोला, वो एक नए CH4 पर अटैक मारेगा, उसके अटैक मारने के बाद आप देखोगे कि वहां पे सीएसटी सील बनेगा और फिर HCl बन जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने भी बता दिया था मैंने आप लोगों को, आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, कि यहाँ पे आप देखोगे कि रिपीटेशन जो हो रहा है लगातार, CH3 डॉट जो है वो एक नए Cl2 पर अटैक मार मार के लगातार CH3 सील बना के एक नया Cl डॉट बना रहा है, और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक रिएक्शन पूरी ना हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अब यहाँ पे समराइज कर देता हूँ, ठीक है। इस चेन प्रोपोगेशन स्टेप की समरी क्या है, देखो समरी ये है, शुरुआत में CH4 है, सीएल डॉट से रिएक्शन की, सीएसटी डॉट बना, HCl बन गया, अब जो सीएसटी डॉट है वो एक नए Cl2 पर अटैक मारेगा, उस नए Cl2 पर अटैक मारने के बाद एक क्या बनेगा, नया सीएल डॉट बन जाएगा, और नया सीएल डॉट बनने के बाद फर्दर फिर वो नया सीएल डॉट जो होगा वो फर्दर किसी नए CH4 पे अटैक मारेगा, यहाँ पे इस तरीके से फर्दर यहाँ पे CH3 डॉट बनेगा और फर्दर यहाँ पे ये नए Cl2। तो इस तरीके से लगातार नए नए Cl2 आते जाएंगे और लगातार नए नए CH3Cl बनते जाएंगे, और ये पूरा प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक रिएक्शन खत्म ना हो जाए।
राइट। तो ये हमारा है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। अब बच्चों बात करते हैं यहां पे चेन टर्मिनेशन स्टेप के बारे में कि चेन टर्मिनेशन क्या होता है। तो चेन टर्मिनेशन को हम कैसे समझा सकते हैं, हालांकि एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है कि भाई जब रिएक्शन रुक गई तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करें यहां पे। तो उसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों कि टर्मिनेशन का मतलब है रिएक्शन रुक चुकी है, और रिएक्शन तभी रुकेगी जब वहां पर बनने वाले सारे के सारे रिएक्टिंग स्पीशी ठंडे हो जाए, स्टेबल हो जाए। मतलब तो वहां पर रिएक्टिंग स्पीशी क्या क्या बन रहे थे रिएक्शन के दौरान, कौन कौन से इंटरमीडिएट बन रहे थे, एक बना था सीएल डॉट और एक बना था सीएसडी डॉट। तो कैसे भी अगर सीएसडी डॉट और सीएल डॉट अगर सब आपस में मिल जाते हैं तो सारे के सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना देंगे, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा तो फिर रिएक्शन स्टॉप हो चुकी है। ये तो आप बता सकते हैं अपन, और इसके अलावा क्या बताएंगे बताओ। तो बस सिंपल सी बात है, टर्मिनेशन क्या करेंगे, जितने भी आपके पास फ्री रेडिकल बने उन सारे फ्री रेडिकल्स को आपस में मिला दो, आपका वहां पे चेन टर्मिनेशन ऑटोमेटिकली सेल्फ अंडरस्टूड हो जाएगा। तो हमारे पास दो तरह के फ्री रेडिकल बने थे, सीएसडी डॉट और सीएल डॉट। अब यहां से हम तीन पॉसिबल केस बना सकते हैं कि सीएसडी से मिल सकता है, मतलब सीएसडी डॉट बहुत सारे बनेंगे तो सीएसडी से मिल जाए, या फिर सीएल सीएल से मिल जाए, या फिर सीएसडी और सीएल का क्रॉस कनेक्शन मिल जाए, तो फाइनली आपके यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन जाएंगे सीएसडी सीएल टू और सीएसडी सीएल। अब बच्चों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आप ये बताओ कि रिएक्शन में जो मेन प्रोडक्ट बना सीएसडीसीएल वो कौन से स्टेप में बना, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन, आप क्या बोलोगे। आप देख सकते हो कि चेन टर्मिनेशन में भी सीएसडीसीएल पड़ा है, ये वाला आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो तो चेन जो प्रोपोगेशन है उसमें भी सीएसडीसीएल पड़ा है। तो आपके हिसाब से आंसर क्या होगा, प्रोपोगेशन या टर्मिनेशन, बोलो फटाफट। शाबाश, तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोपोगेशन में, क्योंकि हम लोगों ने टर्मिनेशन तो हाइपोथेटिकली अज्यूम किया है कि भाई रिएक्शन रुकी होगी तो सब मिल गए होंगे, है ना। बट रियलिटी में तो जब पानी नीला हो रहा था, जब एक नील की बूंद से पानी आगे से आगे नीला हो रहा था हल्का हल्का, तो वही तो प्रोडक्ट बन रहा था, तभी तो नीलापन आ रहा था, उसी नीलापन को हम प्रोडक्ट बोल रहे हैं। तो वही तुम्हारा मेन स्टेप था और वो था हमारा प्रोपोगेशन। तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनता है सीएसडीसीएल वो बनता है आपके प्रोपोगेशन स्टेप में। टर्मिनेशन मत करना, अगर आप सीएसडीसीएल देख के कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर आप वहां पे कॉन्सेप्चुअली सोच नहीं रहे हो। ऑलराइट गाइस, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी, आई होप कि आपको सारी बातें यहाँ पे समझ में आ गई होगी, आपने यहाँ पे रिएक्शंस कर लिए होंगे सब लोग और सारी चीजें समझ ली होगी। थोड़ा सा वीडियो आज का लंबा हो गया, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, तब तक आप इस रिएक्शन को अच्छे से पढ़ो, वीडियो को दो तीन बार देखना ताकि आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाए कि रियल में ये चीज हम कैसे समझ सकते हैं। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ इस रिएक्शन का जो स्टेप है, अगर आप लोगों को मैं बोलूँगी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इस रिएक्शन का जो है वो है ये वाला स्टेप कि यहाँ पे एक नया सीएल टू डॉट, ये जो स्टेप है ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि चेन प्रोपोगेशन में ये स्टेप आता है नहीं आता है। तो हमारा ध्यान क्या होता है, सीएल डॉट सेकंड पे सीएसडी डॉट मिला देते हैं और वहां सीएसडीसीएल बनाते हैं, हमें वो नहीं करना होता है। सीएसडी डॉट को एक नए सीएल टू से अटैक करवाना होता है ताकि रिएक्शन आगे से आगे प्रोपोगेट होती रहे, पूरा का पूरा पानी नीला होता रहे। ऑलराइट गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको ऑब्वियसली लाइक करना और हो सके तो सब्सक्राइब भी करना चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।